अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर जफर। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 16 रुकनी स्क्वाड की क्यादत करेंगे कप्तान इयान मॉर्गन। उसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं ऑलराउंडर मोइन अली। उसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन जॉनी बेयरस्टो। उसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं एक और विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन टॉम बेंटन। इसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं एक और विकेट कीपर बैट्समैन सैम बिलिंग्स। फिर स्क्वाड का हिस्सा है ऑलराउंडर सैम कुरन। फिर स्क्वाड का हिस्सा है बॉलिंग ऑलराउंडर टॉम कुरन। फिर स्क्वाड का हिस्सा है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले ऑलराउंडर लियाम डॉसन। इसके बाद स्क्वाड में शामिल है 24 साल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जॉर्ज गार्टन, जो कि लाहौर क्लंदर्स की जानिब से पीएसएल में भी शिरकत कर चुके हैं। उसके बाद स्क्वाड का हिस्सा है ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन। फिर स्क्वाड में शामिल हैं लेग स्पिनर आदिल रशीद। उसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं इंग्लैंड के साबका कप्तान जो रूट। उसके बाद स्क्वाड का हिस्सा है ओपनिंग बैट्समैन जेसन रॉय। फिर स्क्वाड का हिस्सा है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करवाने वाले डेविड विले। फिर स्क्वाड का हिस्सा है ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स। और सबसे आखिर में स्क्वाड का हिस्सा है फास्ट बॉलर मार्क वुड।